पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आलमनगर चौसा और फुलौत इलाके का दौरा। इस दौरान पप्पू यादव ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर किया जुबानी हमला। कहा, इलाके में बाढ़ से त्राहिमाम है लोग। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की बद इंतजामी के कारण लोगों को नहीं मिल रही कोई राहत और अन्य सुविधाएं। खासे परेशान हैं स्थानीय लोग। और क्या क्या कहा पप्पू यादव ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फिर लॉकडाउन लगाए तो लॉकडाउन के पहले आपने छोटे छोटे दुकानदारों के ईएमआई को माफ किया, होल्डिंग टैक्स को माफ किया, बिजली बिल को आपने माफ किया। आप रोड पर बस रोक दिए तो क्या रोड टैक्स माफ कर दिए? क्या आपने स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ करने की घोषणा की? स्कूल बंद है तो उसकी बिजली माफ करने की घोषणा की बिना किसी पॉलिसी के? अनलॉकडाउन वन, अनलॉकडाउन टू, फिर लॉकडाउन रिक्शा ठेला टमटम, मतलब आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई। हसन बाबू, जांच हो ही नहीं रहा है। जांच आम आदमी तो छोड़िए, एमएलए लोगों का जांच आज 7-7 दिन 9-9 दिन तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। आपके घर में बीजेपी ऑफिस में 250 लगभग पॉजिटिव हुए, तब 72 घंटे के अंदर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 घंटे में जांच हो गया, डॉक्टर की टीम लग गई। आम आदमी को क्या आपने मरने पर छोड़ दिया? मरने की तो आपने ठेकेदारी ले ली। अपनी वर्चुअल रैली करने के लिए आपने बिहार के ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकान वाला सबको आपने मार दिया। आप गंभीर साजिश किए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आप मस्त हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी वर्चुअल रैली चलती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, मधेपुरा।